फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन जैन। आज हम बात करेंगे ऑयल इंडिया के बारे में, जिसका बायबैक आया है। लेकिन अगर आपने देखा होगा तो ये स्टॉक जो है डिविडेंड के लिहाज से भी काफ़ी बेहतर स्टॉक है, और दो बार बोनस शेयर्स भी इसने दिया है कंटिन्यूस 2017-2018 के अंदर। इसका अगर आप आज का रेट देखेंगे तो 202.60 के ऊपर अभी चल रहा है ऑयल इंडिया लिमिटेड का, और 52 वीक लो देखेंगे तो 181 का है, लो से थोड़ा ऊपर है, और हाई 259 का है। इसका अगर आप मार्केट कैप भी देखेंगे 22,998 के करीब है, 10 रुपये का फेस वैल्यू है। 2018 में अभी इसने 150% का डिविडेंड भी दिया है। इसका डिविडेंड यील्ड जो रहता है 7.48% के करीब रहता है। तो सबसे पहले वही आप देख लीजिए, डिविडेंड काफ़ी बेहतर देता है ये कंपनी, और कंटिन्यूस अच्छा डिविडेंड दे रहा है। 2018 में देखेंगे तो 150% का दिया था, और 2017 में देखेंगे तो 140, 2016 में 80% का, 2015 में देखेंगे तो 280% का डिविडेंड दिया है, जो कि 280 रुपये होते हैं। 2014 में 215 के 215 रुपये के करीब डिविडेंड दिया है। मीन्स डिविडेंड काफ़ी बेहतर कंटिन्यूस ये स्टॉक दे रहा है 2010 से लेकर लगभग 15 रुपये, 18 रुपये, 20 रुपये, 25 रुपये, 28 रुपये तक का पर शेयर डिविडेंड दे रहा है। और इसका अगर आप बोनस इशू देखेंगे तो 2018 में और 2017 जनवरी में डिविडेंड दिया है, तो कंटिन्यूस 2 ईयर्स से डिविडेंड भी है। और 2012 में भी इसने डिविडेंड बोनस शेयर्स दिए हैं 2012 में भी, तो कंटिन्यूस अगर आप 6 साल का भी नज़रिया अगर देखा इसके अंदर, तो 3 बार इसने बोनस शेयर्स दिए हैं और जिसके ऊपर डिविडेंड भी लागू होते हैं। तो काफ़ी मीन्स जिसने भी लॉन्ग टर्म के नज़रिए से पहले से होल्ड कर रखा है, उनके मल्टीपल स्टॉक्स हो गए होंगे और डिविडेंड उनके ऊपर भी मिल जाता है। तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से डिविडेंड के लिहाज से अगर देखेंगे तो ये स्टॉक बढ़िया है, लेकिन अगर कैपिटल एप्रिसिएशन के हिसाब से देखेंगे तो ज़्यादा मूवमेंट इस स्टॉक के अंदर नहीं देखने को मिलती है। लेकिन जिसने भी ले रखा है तो बायबैक भी अगर आप देखेंगे तो 4.45% का टोटल इक्विटी शेयर्स ये उठाने वाले हैं, जो टोटल पेड अप कैपिटल है वहाँ से। और इसका जो रेट है 215 का रेट है, 215 के ऊपर ये शेयर्स लेंगे। और इसका अगर रिकॉर्ड डेट आप देखेंगे तो रिकॉर्ड डेट भी डिक्लेयर किया है इन्होंने 3 दिसंबर 2018 मंडे रिकॉर्ड डेट है। तो जिसके पास भी स्टॉक है और 200 के नीचे अगर किसी ने ले रखा है तो वो इजीली बायबैक में भी दे सकते हैं, और नहीं देना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के नज़रिए से भी रख सकते हैं, ताकि एवरी ईयर अच्छा खासा डिविडेंड मिले। तो आज इसी के बारे में बोलना था। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। चलिए, थैंक यू।